अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैर खैरियत से होंगे। और मेरा ब्लॉग में फिर से स्वागत है आप लोगों को। मैं फिर ब्लॉग स्टार्ट कर दी हूँ और आज ही पाँचवा रमजान क्या कह रही है? तो क्या हो गया? तो क्या हो गया? देखे तो क्या हो गया? देखे गया तो ना आंटी, कैमरा वाले से भी तो कैमरा वाले को पता होना चाहिए। हाँ, तब का मकान मालकिन समेत करा डाली। अरे ऐसा कोई बात नहीं है आंटी, जो बनाएंगे वो सब वीडियो में जाएगा। हाँ ये देखिए, मैं माफी चाहती हूँ, मैं आज पहले सबसे पहले गुलगुली बनाऊंगी। मीठा मीठा पुआ बनाऊंगी, उसके बाद से रसगुल्ला बनाने रही है। हमारा तेल गर्म हो गया है, अभी नहीं हुआ है, अभी होना चाहिए। और आज है शनिवार और आज पांचवा रमजान हो गया। बहुत अच्छा से रोजा जा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है रोजा, क्योंकि ठंडा मौसम है इसलिए रोजा लग नहीं रहा है। अच्छा अच्छा रोजा जा रहा है। देखिए अभी मैं ये बना लूँगी और फिर मैं बनाऊँगी। पीछे पक गया, मन कर देता है मीठा खाने का, कभी तीखा खाने का, तो इसलिए दोनों में बना रही हूँ। रख गए उतार के ले आ ली। अच्छा लिया। छोटा छोटा मैं गुलगुली बना रही हूँ। कल मैं सूजी और आटा का बनाई थी तो भाई को भी दे दी। इधर क्या कहते हैं स्टूडियो में बैठा रहता है और उसको भी अफतारी इधर से बना के और भेज देते हैं। मैं ज़्यादा काम वाम करती नहीं हूँ, सिंपल तरीके से बना बना करके मैं भेजती रहती हूँ, कोई भी खाए उससे क्या है। और बहुत अच्छा से रोजा जा रहा है इस बार, क्योंकि हर बार मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता था, लेकिन इस बार अल्लाह के करिश्मा से मेरा तबीयत ख़राब अब तक तो सही है और इंशाल्लाह अल्लाह चाहेंगे तो आगे भी सही रहेगा।
हाँ बेटा, दूध नहीं, दूध नहीं चाहिए, पकौड़ा छान रही हूँ, खा लो। दूध में दही डालती हूँ और दूध दही जमा रही हूँ, क्योंकि कल बनाऊंगी दही बड़े, तो दही जमा नहीं, तो इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हो गया, लेकिन कल बनाऊंगी। आ जाओ, ये लो खा लो। पहले ही मेरे को दिक्कत होने लगा। देखिए मेरा बुलबुली बन गया है। अब देखिए मैं आलू का पकौड़ा बनाऊंगी, और ये मेरा आलू उबाल दी थी, तो इसलिए ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं गिर ही जाता है। आज मैं आलू का पकौड़ा बनाऊंगी, और कल मैं सहरी का ब्लॉक बनाई थी, तो आज मैं अफ्तारी का ब्लॉक बना रही हूँ। लेकिन मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, तो इसलिए मैं बहुत मुश्किल से और बहुत परेशानी से मैं वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि साथ के साथ उन लोगों को भी देखना जरूरी रहता है। और मेरे बच्चे तो समझदार हैं, लेकिन सबसे छोटा वाला जो है वही बहुत परेशान करके रख देता है। तो फिलहाल अभी गया है घूमने के लिए, खेल रहा है बाहर। मैं बना लेती हूँ अफ्तारी, और आप लोग मेरे वीडियो देखना और कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। मैं वीडियो अच्छा अच्छा और डालूँगी। मैं ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मैं और मेरी लड़की रहते हैं, और कभी कभी भाई आ जाता है, तो उसी में से खा लेते हैं। इसलिए मैं कभी कभी बच जाता है तो गाय को खिलाना पड़ता है। मेरी छत पे खरगोश है, तो वो ये सब खाती नहीं है, तो इसलिए मुझे गाय को ले जाके डालना पड़ता है। मैं इसलिए बहुत कम कम बनाती हूँ। अब इसके बाद मेरा बैंगन का पकौड़ा होगा। और फल फ्रूट जो भी होगा, तो फल फ्रूट भी कटाएगा। अच्छा है, रमजान का महीना बरकत वाला है और बरकत देता है। दान जैसे खैरात और ज़कात, सॉरी खैरात और ज़कात भी देना चाहिए, और देना भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है, क्योंकि ऐसे तो आदमी देता ही रहता है हर एक मदरसे में और मजारों पे पैसा देता रहता है, लेकिन ये है कि इसमें सारे चीज़ के लिए करना पड़ता है। गहना से लेकर के जितना आपके पास है गहना, उसका खैरात ज़कात निकालना पड़ता है। जितना वो है आपके बच्चे हैं, उसका भी पैसा खराब जगह निकालना पड़ता है। तो इसीलिए ये महीना बहुत अच्छा है और बहुत खुशहाली मिलती है। जब आदमी रोज़ा रह के और ईद का कपड़ा लेता है, तो और खुशी मिलती है, इतना अच्छा लगता है कि मैं तो यही कहूँगी कि रोज़ा रखना चाहिए सबको, हिम्मत करके और अल्लाह से दुआ करके कि अल्लाह मुझे इतना मतलब तौफीक अता फरमा कि मैं रोज़ा रखूं और बूढ़े जवान। क्योंकि देखिए कुछ लेके तो नहीं जा पाएंगे दुनिया से, तो यही सब लेके जाएंगे,
जो नमाज़ पढ़ता रहेगा, तिलावत करता रहेगा, जो भी कुछ करेगा तो वो यही सब दे के जाएंगे। तो खासकर मैं जहाँ पे रहती थी गांव पे, मेरा जैसे कि मेरा गांव था, मेरा गांव सेरिया है, गोपालगंज जिला है, तो उधर ही मैं रहती थी। तो उधर मेरे ससुराल के लोग बहुत कम रोज़ा करते थे और सिंपल तरीके से ही बनाते थे लोग, ज़्यादा बनाते नहीं थे लोग, पकौड़ी और कुछ भी नहीं बनाते थे लोग, सिर्फ वो लोग कुछ भी चीज़ों से रोज़ा अफ्तार कर लेते थे लोग। लेकिन मैं अपने ससुराल में एक साल रही तो मैं भी रोज़ा की, लेकिन मुझे हुआ नहीं, क्योंकि जब तक आदमी फल फ्रूट और मन चाहा चीज़ नहीं बना के खाएगा तब तक थोड़ा अजीब सा होता है, जैसे कि लगता है कि कुछ खाए नहीं है। और दाल चावल से, इन सब चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटती है, थोड़ा आदमी बनाते हैं। और मेरे मायका में तो बहुत ज़्यादा ही बनता था ये सब, तो वहाँ पे हम लोगों को आदत था, और हमारे ससुराल में ये सब नहीं बनता था। तो मेरी जिठानी ऐसे ही रोज़ा खोल लेती थी कुछ भी चीज़ों से, और पानी पी लेती थी और डायरेक्ट खाना खा लेती थी। लेकिन हमसे तो वैसा होगा नहीं, क्योंकि भाई हम तो भाई खाते पीते वाले आदमी हैं, जितना हो सकता है उतना ही खाते हैं, इसीलिए तो मेरा भी थोड़ा मन नहीं लगा, क्योंकि मैं यहाँ पे शुरू से आ करके और रहने लगी, तो इसीलिए गांव में रहने में मेरा मन ही नहीं लग रहा था, कल चलाना पड़ता था। कोशिश करेगा तो इंसान तो रह ही लेगा, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत की वजह से मैं यहीं पे आके और सेटल हो गई, और वहाँ पे ना ही स्कूल बढ़िया ढंग का था ना कुछ भी, तो इसीलिए मैं यहाँ पे आ करके और रह कर। तो देखिए गाइस, मैं आलू के पकौड़ा बना चुकी हूँ, अब ये बैंगन का पकौड़ा है, और देखती हूँ क्या बनाना है, क्योंकि भाई बोल दिया है पहले ही कि मुझे खाना है बना के देना, तो अभी फ़िलहाल के लिए टाइम है, तो हमारा जल्दी जल्दी काम हो जाएगा, क्योंकि यही सब करने के बाद से खाना खाने का दिल ही नहीं करता है। लेकिन आज शुक्रवार को रात को मुझे भूख लग गई ज़्यादा, तो मैं फल फ्रूट फिर दोबारा काट के और मैं खाई, तो मेरे को भूख नहीं ख़त्म हुआ, मेरे को नींद भी नहीं आ रहा था, इसीलिए मैं आज खाना बनाऊंगी पूरा, और पकौड़ी छना गया, अब रह गया चना बनाने के लिए। तो चना अब बन जाएगा तो हो जाएगा, चटनी पीसिएगा तो दीजिएगा। चटनी कहाँ पीसाऊँ, मसाला? अच्छा, धनिया डाल के मसाला पीस रही है, आ रही हूँ, भूल जाएगी। अंडा है और बेसन है, और इसमें सारे मसाले डाल के ये बना रही हूँ दूसरे तरह के पकौड़े। आ रही हूँ। शाहिन देखो ना आंटी कहाँ है, ये मैं ऐसे फैला करके और इसको काट काट के फिर बेसन में तलूंगी। देखती हूँ आज ये पकौड़ा सही बनता है कि नहीं बनता है, यही ट्राई करूँगी आज। इसलिए मैंने सोचा एक और तरीका से बनाया जाए, देखते हैं कैसा लगता है। नॉन स्टिक तवा, तो ये मैं पुराना हो गया है, ये देखिए एक
दूसरे तरीके के मैं बना रही हूँ पकौड़ा। तीखा नहीं, तीखा नहीं बना रही हूँ। इसमें मैं डाली हूँ बेसन और मैं डाली हूँ अंडा और 3 अंडा डाली हूँ मैं। प्याज वाला नहीं बनाई मम्मा? नहीं, और इतना टाइम मेरे पास नहीं है। सलाद तो काट रहे हो ना? तो काट, तू नहीं काट सकती है। देखिए गाइस, फिर मैं आपको दिखाती हूँ एक बार कि मैं ये वाला पकौड़ा ट्राई की बनाने के लिए तो कितना अच्छा बना। अब इसको काट काट के फिर से बेसन में डालूँगी तो देखने में भी अच्छा लगेगा। और सिंपल तरीके से बना रही हूँ। क्योंकि आलू और एक प्याज और टमाटर और बैंगन के खाने से थोड़ा मन भर जाता है, तो थोड़ा नया नया आइडिया लगाना चाहिए। तो इसीलिए मैं नया नया आइडिया लगा रही हूँ। और मैं पहली बार ये बना रही हूँ तो देख रही हूँ शुरुआत करके अच्छा बन रहा है कि नहीं, तो अगला बार से प्याज वगैरह डाल के बनाऊंगी। देखिए और ये देखिए फ्रेंड, मैं इसका भी पकौड़ा बना रही हूँ, देखते हैं कैसा लगता है। तो देखिए मैंने अंडा का कर लिया है और उसके बाद से उसको ताल ताल के बनाते हैं। देखते हैं ये नई तरीके का रेसिपी कैसा लग रहा है सबको। तो ये देखिए, और एक बार आप लोग भी ट्राई करना कैसा लगेगा। और बेसन बच जाता है तो मैं ऐसे ही बाद में कर लेती हूँ। चटनी भी बना ली मम्मा। हाँ, और देखिए मेरा वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। और रमजान का महीना है और बड़ा अच्छा दिन है, और आप लोग भी देखिएगा पूरा वीडियो ताकि मेरा भी और बढ़ेगा और अल्लाह ताला आप लोगों को भी। तो मैं अब जा रही हूँ बनाने चना। सारा चीज़ बन गया है, देखिए मेरा पकौड़ा अंडा वाला पकौड़ा बन गया है। और मैं अब चना बनाने जा रही हूँ। तो अब अफ्तारी का वक्त होने जा रहा है तो मैं फटाफट अब कर लेती हूँ। देखिए मेरा चना की प्याज काट रही हूँ, प्याज और मिर्चा। और मैं सिंपल तरीके से चना बनाऊँगी, ज़्यादा मैं वो करके नहीं बनाती हूँ मसालेदार, क्योंकि बच्चे नहीं खा पाते हैं। देखिए मैं सबसे पहले तेल डालूँगी, गरम होने के लिए छोड़ दूंगी। और ये रहा मेरा चना, मैंने आज बहुत जल्दी से बना ली और इसके बाद से मैं अब खाना बनाऊंगी। देखती हूँ क्या बनाना है मेरे को, क्योंकि नहीं खा पाते हैं वही दिक्कत ज़्यादा होती है। बाकी तो मैं प्याज डाल रही हूँ, तो
डाल करके उसमें चार डाल के चम्मच मेरा प्याज लाल हो गया है। अब मेरा जाएगा उसमें चम्मच देना और सारा लिफाफा में डाल दे। ये देखिए फ्रेंड, ये मेरा अफ्तारी तैयार हो गया है और अफ्तारी करने के बाद मैं खाना बनाऊंगी थोड़ा। और मेरा भाई लेकर के अफ्तारी चला गया, मैं उसको आधा दे दी और आधा अपने लिए रख ली। और इतने में मैं अब मैं वीडियो एंड करती हूँ। और मैं अफ्तारी का टाइम हो गया है, 6:30 बजे हो गया है, लेकिन 10-15 मिनट है तो मैं हम लोग बैठ के दुआ हुआ करेंगे। फिर हमें 8 मिनट के बाद 6:18 के बाद हम वो कर लेंगे। तब तक के लिए बाय और अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलिएगा। और प्लीज़ 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 मेरे भी वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। बाय और अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। और 5वां रमज़ान आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो। बाय गाइज़।